नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने न्यूज चैनल न्यूज विलेज इंडिया में। आइए आज आपको दिखाते हैं अलीगढ़ में होने जा रहे रामघाट रोड पर स्थित आवार एजेंसी में आरएलडी की प्रेस वार्ता, जिसमें उपस्थित रहे माननीय जिलाध्यक्ष कालीचरण सिंह जी और अपने मुख्य अतिथि के रूप में जगपाल सिंह जी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष और नीरज शर्मा जी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष युवा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष यहां पे उपस्थित रहे। उसी के साथ यशपाल बघेल जी प्रदेश सचिव उपस्थित रहे। पहली बार हमारा आगमन हुआ है अलीगढ़ जनपद में और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने यहां नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कालीचरण जी को मनोनीत किया है और ये उम्मीद की है कि आप अपनी रात दिन मेहनत और लगन के साथ मेहनत करके संगठन को मजबूत करेंगे और वक्त की मांग है कि पार्टी को मजबूत करते हुए आगामी 2022 में हमारे प्रत्याशी जीत करके जाएं, ऐसी उन्होंने अपेक्षा आपसे की है। इसलिए आज प्रेस वार्ता का यहाँ कार्यक्रम किया गया जिसमें आप सभी लोग आए, सातों विधानसभा सीटों के जिम्मेदार साथी लोग यहाँ आए, ये कार्यक्रम आज अलीगढ़ में किया गया है। आपको कहा है ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, केंद्र जो कहता है, केंद्र में बैठे हुए सत्ता में लोग जो कहते हैं वो सबसे ज्यादा झूठे साबित होते हैं। हर चीज में उन्होंने कहा है, पहले दवाइयों के लिए भी कहा, इंजेक्शनों के लिए भी कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि इस कोरोना की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है और फिर एक एक व्यक्ति से 40-40 लाख रुपए लिए, किसी से 50 लाख लूटे गए। ये लूट नहीं है तो क्या है? केंद्र जो कहते हैं, केंद्र सरकार अगर कहती है ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई तो विदेशों से ऑक्सीजन क्यों मंगाई गई इतनी सारी? सर, जैसा कि आज आपने यहाँ पे मीटिंग की तो आपको कहाँ तक लगता है कि आज आपकी ये मीटिंग कहाँ तक सफल रही? देखिए, 100% हमारी मीटिंग सफल हुई है। कार्यकर्ताओं का जोश देखने को है और निश्चित तौर पर मैं जिन भी जनपदों में गया हूँ अब तक, सभी जनपदों में जनता ने ये एक तरह से इशारा किया है कि जनता सरकार की नीतियों से पूरी तरह ऊब चुकी है, इनके झूठे वायदों से ऊब चुकी है और अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बातें ये करते रहे हैं, अब उन झांसों में लोग नहीं आएंगे। जैसा कि सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि सपा कार्यकर्ताओं की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसमें कहां तक सच्चाई है, इस पर अमल डालेंगे? देखिए, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं और उनमें कई लोग टोपी लगाए हुए होते हैं और एक व्यक्ति को मार रहे होते हैं, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा जाता कि ये वीडियो कहाँ से आई, किसने डाली, कहाँ की वीडियो, किसी भी देश की। सोशल मीडिया की ऐसी व्यवस्था है, पूरे दुनिया की क्लिप आज हमारे हाथ में होती है तो वहाँ जाकर के कोई एक व्यक्ति जाकर के कुछ भी कहना शुरू कर दे तो कैसे सपा का मान लिया जाएगा? देखिए, सपा हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, सिद्धांतवादी समाजवादी लोग हैं, देश के शुभचिंतक हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई बंधु देश की सीमाओं पर लड़के और मरते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। हम हिंदुस्तान को बर्बाद कभी नहीं होने देंगे, ना ही हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा घिनौना काम करेगा। मेरा आपसे ये जानना है कि जिस तरह छोटे छोटे झगड़े अभी संगठन में होते हैं, अभी कल परसों न बात का एक बतंगड़ बनाया गया, ये कब समाप्त होगा? देखिए, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का आपके राष्ट्रीय लोकदल का कब ये झगड़ा समाप्त होगा? छोटे छोटे बात, आप ब्रज क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण पद पे हैं। देखिए, जब परिवार बढ़ता है तो निश्चित तौर पे परिवार में, घर में चार बर्तन होते हैं, थोड़ा बहुत खटका खटकी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल कमजोर हो गया या जो भी मनभेद हुआ है वो कार्यकर्ता हमसे अलग हो गया। ये सब अंदरूनी बातें होती हैं, छोटे मोटी मतभेद हो जाया करते हैं, ये कोई अंदरूनी कलह या कलेश नहीं है। वैचारिक मतभेद कभी छोटे मोटे होते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये सब हम इंटरनल समझा लेते हैं और बुझा देते हैं। जी सर, जयंत चौधरी जी से आपकी अंतिम मुलाकात कब हुई और अगली मुलाकात आप कब करने वाले हैं? देखिए, मेरी अंतिम मुलाकात उनसे हुई जब कोरोना काल शुरू हुआ, उससे पहले, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि
काम करो क्षेत्र में, मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं आपको बुला लूँगा, जिस दिन जैन जी मुझे बुलाएंगे मैं उनके पास तुरंत पहुँच जाऊँगा, मैं अभी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे 2022 के? हमारे 2022 के मुद्दे रहेंगे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू करना, छोटे छोटे व्यापारी मझोले व्यापारियों के लिए उद्योग धंधे लाना, और किसान की खेती के लिए अच्छे अच्छी तरीके से प्रयास करना, उन्हें समझाना, और किसान की आय को बढ़ाने के लिए समुचित तरीके से बाजार में व्यवस्था लागू करना। मैं अपना क्वेश्चन वहीं से दोहराना चाहूँगा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने अभी अभी बताया कि बीजेपी में मोदी जी जो हैं वो जादू टोना करते हैं, जादूगर हैं, नटवर लाल हैं, तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी पार्टी में ऐसा कोई जादू करने वाला नहीं है जो आपको केंद्र तक पहुँचा सके या उस जादू को ख़त्म कर सके? नहीं, मेरी जादू में जादू ख़त्म करने वाले बहुत हैं, लेकिन जादूगर उस तरह के नहीं है जैसे मोदी जी झूठे वाले। मेरे यहाँ कोई कार्यकर्ता कोई भी पार्टी में इस तरह का नहीं है कि जैसे झूठे वायदे करे और जनता को झूठे सरसब्ज दिखा करके जनता को ठगे, जनता के साथ में धोखेबाजी करे, जनता के साथ में चालबाजी करे और जनता को जो वायदे किए थे उनको पूरा न करे। मेरे यहाँ कोई इस तरह का पार्टी में न कार्यकर्ता है, न संगठन में है, और न हमारे खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी इन बातों में कोई विश्वास नहीं करते हैं, न उनके यहाँ कोई इस तरह की स्थान है धोखेबाजों के लिए, चालबाजों के लिए, जादूगरों के लिए और बाजीगरों के लिए। जी एक बात बताइए छोटी सी हमको जी, कि राष्ट्रीय लोकदल 7 विधानसभाओं पे कार्य नहीं कर पा रहा है, क्यों? ऐसा नहीं है, कौन कह रहा कार्य नहीं कर पा रहा है? हमारे आप आज मीटिंग प्रेस वार्ता में बुलाइए, आपने देखा होगा हमारे 7 विधानसभाओं से लोग, युवा, नौजवान और हमारे बुजुर्ग लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, हमारी मातृशक्ति भी इकट्ठी हुई है, 7 विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ, लोग थे सब तरह, सब क्षेत्र से आए हुए, दूर दराज से 7 विधानसभाओं में हमारे लोग लगे हुए हैं और हैं, कार्य कर रहे हैं। कितनी जल्दी आपका संगठन जिला का विस्तार करना? मेरा संगठन बस बहुत जल्दी अब विस्तार करने वाला, आज ये प्रेस वार्ता हुई, 2-3 दिन में हम करे ले रहे हैं, अभी लोगों से विचार विमर्श, विचारधारा भी थोड़ा धान वान की काम चल रहा था तो लोगों से अभी नहीं हुए बैठ के, सब अभी 2-4 दिन में करे। क्या संदेश है आज की प्रेस वार्ता? हमारा आज का संदेश ये है कि हमारी ये जो निकम्मी सरकार है इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, अपने युवाओं को जोड़ेंगे, अधिक से अधिक उनको इस बारे में जागरूक करेंगे और घर घर जाके अपने युवाओं को संदेश पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि घर घर जाइए और एक अच्छा संदेश दीजिए कि लोकदल में क्या खूबी है, हमें लोकदल को क्यों वोट देना चाहिए, लोकदल सरकार क्यों लाना चाहिए, अगर कोई हितैषी सरकार है किसान मजदूर और सबकी लोग तो वो लोकदल है, ये हम आगे जाके बताएंगे। जैसा कि यशपाल जी ने बताया कि आपकी पार्टी में महिलाओं की बहुत कमी है और उन्होंने कहा कि 50% महिलाएं घरों में बैठी हुई हैं जो इस ताकत हैं इस लोकदल की, तो उसमें कहां तक सच्चाई है कि आप इसमें आगे अमल करेंगे और महिलाओं को भागीदारी देंगे? नहीं, महिलाओं को हम पूरी पूरी भागीदारी देंगे और महिलाओं में ताकत है, उसी से संगठन बनता है, महिलाओं की भी एक अहम भूमिका और अहम जिम्मेदारी होती है और उनके बगैर समाज या कोई भी पार्टी, समाज हो या पार्टी हो या परिवार हो, वो अधूरा रहता है, इसलिए हम अपनी पार्टी में भी महिलाओं का उचित योगदान, उचित स्थान और उचित महत्व देंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे, हमारी संगठन इसी काम में लग रहा है, इसी हम उसमें हैं, अपना बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन में महिलाओं को स्थान देंगे। मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन यही है कि क्या आप ग्रामीण स्तरों पर कार्यकारिणी बनाने में सफल हो पाएंगे? जी मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन यही है सर कि आप ग्रामीण इलाकों में कार्यकारिणी बनाने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल नहीं हुए, बनाएंगे 100% बनाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, हमारे हमारे जो जो कार्यकर्ता लगेंगे सब क्षेत्रों में, सब जगह जाके अपनी कमेटियां और बूथ स्तर पर कमेटियां बनाएंगे और अपने हमारे युवा हैं वो सब काम करेंगे, बुजुर्ग हैं उनसे विचार विमर्श होगा, वो भी हमारे लिए काम करें, सबकी सहमति है, सब करेंगे, हमें इस काम को बहुत जल्दी करना है। इसी क्रम में आगे चलते हैं युवा अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र नीरज शर्मा जी के पास और मेरा इनसे क्वेश्चन रहेगा कि सर जैसा कि आपकी अंतिम मीटिंग हुई है पिसावा में और वहां पे आपने माइक पर खड़े होकर के अपना भाषण में कहा है कि बुजुर्गों को माइक और मंच का लालच छोड़ देना चाहिए, तो इससे क्या अभिप्राय है कि पार्टी को अनुभव की जरूरत नहीं रही, क्या युवाओं के कंधों पर ही इसका सारा भार होना चाहिए? पार्टी को युवाओं की जरूरत, अनुभव की जरूरत है जी, लेकिन युवाओं को भी आगे आने दें जी, इसलिए ऐसा कहा गया जी। आप युवाओं को कहां तक रोजगार दिलवाने में सफल हो पाएंगे?
पार्टी की नीति है, अभी पुरानी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात की थी, जो सरकार 2 लाख भी नहीं दे पाई है। हम लोग रोजगार पे भी लगेंगे और बहुत सारी पुरानी सरकार की कुरूतियों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे युवा हमारे साथ जुड़ेगा। जैसा कि आपकी पार्टी में बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, जैसा कि बुजुर्गों भाषण देते हैं और उन्हें अनुभव है, अपने भाषण में अनुभव के साथ भाषण देते हैं, क्या आपको लगता है कि युवा उनकी तरह भाषण दे पाएंगे? जैसा कि अभी सबके सामने यशपाल जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, क्या आपको उम्मीद है कि युवा भी इनकी तरह सोच समझ कर अपने शब्दों को समेट कर भाषण दे सकते हैं? युवा बुजुर्गों से सीखेंगे जी, उनका अनुभव लेंगे जी, और अनुशासन में रहेंगे, ये युवाओं को भी तरजीह दी गई है। और जैसा कि वहीं पे देखा गया है कि कथित तौर पे कहा गया है, कथित तौर पे भी हुआ है और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहाँ पे आपकी पिसावा में मीटिंग थी वहीं पे, वहाँ पे आपने रागनी करवाई, जहाँ पे आप संचालक थे, जहाँ पे रागनी हो रही कि रात में ढिंचक लड़ गई, ये गाने पे वहाँ पे वीडियो वायरल हो रहा है और वहीं पे पीछे राष्ट्रीय लोकदल का बैनर लगा हुआ है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ मंच पे कोई आदमी नहीं था, सब लोग चले गए थे, सब लोग भोजन के लिए चले गए थे, बाद में किसी ने उस तरह का वीडियो बनाया, वो कलाकार थे, रागनी वाले लोग थे, वो बाद में क्या कर रहे हैं, वो मैरिज, उससे ऐसा कोई मतलब नहीं है कि नेता था, लेकिन उसके पीछे राष्ट्रीय लोकदल का बैनर टंगा हुआ था, तो इससे लोगों में क्या संदेश जाएगा? और जहाँ पे एक महिला नृत्य करती हुई नजर आ रही है राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के सामने, उससे महिलाओं में क्या संदेश जाएगा? नहीं, किसी में कोई संदेश नहीं जाएगा, विपक्षी लोग मौका ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें दिख रहा है कि अब राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में आ रहा है, इसलिए विपक्षी मौका ढूंढ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल को नीचा दिखाने का, और कुछ नहीं। जैसा कि आपने युवा कार्यकारिणी बनाई है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी कार्यकारिणी कब तक आप उसे तैयार कर लेंगे और कब तक उसे हमारे सामने या जनता के सामने पेश करेंगे? बहुत जल्द, विद इन ए वीक। मुझे एक बात बताइएगा, आप मैन बॉडी का किस तरह सहयोग कर पाएंगे? मुझे लगातार दिखाई दे रहा है सातों विधानसभाओं में कि अभी से फटता हुआ नजर राष्ट्रीय लोकदल आ रहा है यूथ और मैन बॉडी। अभी आपने ऐसा क्या देख लिया जिसमें आपको मैन बॉडी का सहयोग करते हुए युवा नहीं दिख रहा? कुछ शिकायतें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व तो यूथ के द्वारा गाली गलौज की जा रही है। किसी को कोई गाली नहीं दी जा रही, युवाओं को अनुशासन में रहने के लिए कहा जा रहा है, किसी ने कोई गाली किसी को नहीं दी। तो उम्मीद की जाती है कि आप मैन बॉडी का सहयोग करेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह मैन बॉडी का सहयोग करेंगे और सातों विधानसभाओं पर युवाओं की एक अच्छी टीम खड़ी करेंगे, जिससे सातों विधानसभाओं पर हम लोग जीतेंगे। आपके हिसाब से युवा कैसा होना चाहिए, कितनी उम्र तक युवा हो जाना चाहिए आपकी पार्टी के लिए, क्या उसमें सोच समझ आ जानी चाहिए, कब तक? 18 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को हम संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं यशपाल बघेल जी सर के पास, इन्होंने चलिए इनसे वार्ता करते हैं। तो आज जो पार्टी का स्तर है, पार्टी के पास MLC नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, आपने कहा, तो ये किस तरह कितनी जल्द सुधरेगा? भारतीय राजनीति में जो एक दल की आवश्यकता है, उस दल की आवश्यकता में ये कहीं नहीं लिपिबद्ध है कि दल के पास विधायक हो, सांसद हो, MLC हो या राज्यसभा, उसमें ये लिपिबद्ध है दल के पास नीति और नियत हो। मेरे दल के पास नीति भी है और नियत भी। नहीं, एक चुनाव आयोग का एक जो लॉजिक है कि इतने प्रतिशत वोट चाहिए जभी जो है एक दल रह पाएगा, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। दल के सिंबल की, दल बनाने की स्वतंत्रता किसी को भी है, दल बनाया जा सकता है, लेकिन दल की स्टेट लेवल की रिकॉग्निशन या सेंट्रल लेवल की रिकॉग्निशन आपके प्रश्न का जवाब हो सकती है कितने परसेंट वोट है। राष्ट्रीय लोकदल दल है, दल था, दल रहेगा, नीति है, सिद्धांत है, नेता है और मतदाता है। अब राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष बदल गए हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल अलीगढ़ पर आपने कहा चाबी नहीं है, कितने दिन में चाबी मिल जाएगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष बदलना एक दल की प्रक्रिया के तहत है जी। जब दल ये महसूस करता है कि हमें कुछ गतिविधि बढ़ानी चाहिए, जैसे हमने नया पद सृजित किया जिला संयोजक, ये बैठे हैं मेरे बगल में, ठीक उसी तरह से प्रक्रिया के तहत है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अलीगढ़ की चाबी कब मिल जाएगी, तो मैं समझता हूँ 2022 में अलीगढ़ के सारे ताले लोकदल की चाबी से खुल जाएंगे।
चौधरी अजीत सिंह जी के स्वर्गवास के बाद चौधरी जयंत सिंह जी, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि अकेले पड़ गए हैं, वहाँ तक आप उनका और अपने साथियों के साथ कितना उनका साथ दे पाएंगे? देखो मेरे युवा मित्रों, जब किसी व्यक्ति के पिता का देहांत हो जाता है जी, तो कुछ समय के लिए व्यक्ति विचलित हो जाता है जी। कहते हैं कि बाप का साया जब तक सिर पे है तो व्यक्ति बड़ा स्वतंत्र होता है जी। माननीय जैन चौधरी जी के साथ ये घटना अभी घटित हुई। कोरोना में राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमने अपने राष्ट्रीय नेता को खोया है, तो संभलने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैन जी अकेले नहीं है। जैन जी के पास हम जैसे सिपाही हैं जो जैन जी की आवाज़ पर कुछ भी करने को तैयार है। जैसा कि आपने कहा, जैसा कि आपने अभी अभी बताया सभी लोगों को और आपने अपने भाषण में बताया कि टिकट के लिए हम अपने सगे संबंधियों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जैसे फलाने की बहू ऐसे करके आपने कुछ बताया, तो क्या ये समय कब तक आ जाएगा आरएलडी के अंदर कि दूसरे लोगों को भी टिकट दी जाएगी जो अपने सगे संबंधियों से हटकर कार्यकर्ताओं के घरवाले भी चुनाव के लिए लड़ पाएंगे, विधायक के पद के लिए आगे आ पाएंगे? मैंने जो बात कही वो भारतीय राजनीति का दर्पण था। भारतीय राजनीति में ये व्यवस्था लोकदल, भाजपा, कांग्रेस नहीं, सभी राजनीतिक दलों की स्थिति आप नज़र उठा के देखें ठीक। हम उस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए कटिबद्ध हैं, दृढ़ संकल्पित हैं और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहते हैं, इसमें हम शुरुआत करते हैं। आप जनता को बताना चाहेंगे कि जिला संयोजक जो आपने अभी अभी पद बनाया है, इसका क्या कार्यभार रहेगा और ये किस प्रकार से काम करेंगे? जिला संयोजक, जो आपका प्रश्न अच्छा है, जिला संयोजक जो हमने बनाया इसकी मूल भावना ये है कि जिले पर दो पावर सेंटर नहीं होंगे, पावर सेंटर तो जिला अध्यक्ष ही है, लेकिन कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर के काम जिस तरह धरना प्रदर्शन करना है, प्रेस करनी है, कहीं आंदोलन करना है, जिला अध्यक्ष इस पे जुड़े रहेंगे, लेकिन रूट लेवल पर अंडर करंट जो चुनाव जिताएगा वो अंडर करंट का दायित्व हमने जिला संयोजक को दिया है, वो बूथ बूथ पर जाकर गठन करेंगे और वोटर लिस्ट बढ़वाएंगे, वोटर बढ़वाएंगे, करेक्शन कराएंगे, चुनाव के दिन पर अपनी बूथ कमेटी के माध्यम से वोटर को निकाल के लाएंगे, ये सब काम वो देखेंगे। जैसा कि मेरा क्वेश्चन सभी लोगों से हर बार रहता है, एक मिनट यही मुझे बताइएगा, आपने कहा अंडर करंट की बात आप कर रहे हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष क्या करेंगे? बूथ कमेटी की जिम्मेदारियां एक एक पदाधिकारी को होनी चाहिए, क्या जिला संयोजक की सारी बूथ कमेटियां बनाएंगे? आपने शायद मेरी बात को पूरे अर्थ के साथ नहीं सुना। जिला संयोजक एक एडिशनल पद क्रिएट किया गया, बूथ अध्यक्ष, आपका विधानसभा, वो सब पद तो हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें कुछ एक टीम और ऐसी डेवलप करनी है जो सिर्फ फेस तो जिला अध्यक्ष का है सामने, जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो उसका फेस पीछे, वो पीछे से पूरी तैयारी करके हमारे जो प्रत्याशी, दल का काम सिर्फ प्रत्याशी घोषित करना नहीं है, काम को जल्दी कराने के लिए, स्पीड अप करने के लिए और रिजल्टेंट बनाने के लिए हमने प्रयास किया है। आपके संगठन में लंबे समय से, मैं बहुत खरी बात कह रहा हूँ, लंबे समय से फ्रंटल के अध्यक्ष तो दिखाई देते हैं, उनकी कभी टीम दिखाई नहीं देती, इसके बारे में क्या कहेंगे, कभी काम नहीं करते? देखिए, आपने जो बात कही वो हो सकता है किसी जिले पे सत्य हो, लेकिन दल की जो भावना है, अगर हमने युवा का अध्यक्ष बनाया नीरज शर्मा को, तो इस उम्मीद से बनाया ना, नीरज शर्मा अपनी टीम खड़ी करेंगे, अगर नीरज शर्मा टीम खड़ी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो दल की नीति में कहीं कमी नहीं है, वो व्यक्ति विशेष में कमी है, उसे सुधारें। एक और मुझे आखिरी सवाल बता दीजिए बस, पूछिए। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने एक कमेटी बनाई थी, शराब से तो मृतक हुए थे, आज भी शराब से हमारे जिले में अलीगढ़ में करीब 200 आदमी मरे थे, रिकॉर्ड में कुछ और है, आज तक जो कमेटी बनाई थी उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई कि उनको आज तक मदद नहीं मिल पाई? क्या ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है कि सरकार को घेरा जाए? देखिए, कहीं भी कोई दमन होता है, कहीं भी कोई अत्याचार होता है, तो लोकदल उसके लिए खड़ा होता है, होगा, लेकिन व्यवस्था है, अलीगढ़ का अगर कोई मामला है तो अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष हमसे बेहतर उसका जवाब दे पाएंगे, हमें इसका पूरा संज्ञान नहीं।
जैसा कि मेरा हर बार क्वेश्चन आरएलडी के पदाधिकारियों से होता है और मैं आपसे भी वही क्वेश्चन फिर से दोहराना चाहूँगा, जैसा कि जयंत जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन होंगे? इट इज़ ए प्री मैच्योर क्वेश्चन जी सर, मतलब पानी अभी दूर है, हम उसकी व्यवस्था करें। वो आसीन होगा जिसे जनता आसीन कराने के लिए भेजेंगे। हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, और ज्वाइंट होगा तो बैठ कर फिर बात होगी जी सर। मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसा कि सरकारें ग्रामीण इलाकों में वायदे करके चली जाती हैं, आज भी उन रास्तों पे जो बीजेपी सरकार में, जैसा बताया जाता है कि जब शीला गौतम जी की सरकार थी तब वहाँ पे विकास हुआ, सड़कें बनी, जो आज तक उखड़ी हुई हैं, उखड़ी पड़ी हैं, रोड़ियाँ पड़ी हुई हैं उन पे, और जैसा कि बीजेपी ने डिजिटल भारत का विकास कराने के लिए, डिजिटल भारत बनाने के लिए बोला, वो आज तक अपने वायदों पर खरी नहीं उतर पाई, तो क्या आप भी ऐसे ही वायदे करके भूल जाएंगे? देखिए माय डियर, हमने बीजेपी को कहीं क्रिटिसाइज तो नहीं किया ना, आपने सुना होगा, सत्ता पे जो आया है वो अपने खराब कर्मों से खुद ही ढह जाएगा। मुझे अगर उठना है तो मुझे अपने कर्मों को इम्प्रूव करना है। आप लोकदल को एक मौका तो दिलवाओ पत्रकार महोदय, आप मेरे मुख्यमंत्री को एक बार इस प्रदेश में स्थापित कराओ, फिर बनी हुई सड़कें उखड़ेंगी नहीं, ये वायदा मैं करता हूँ। नहीं, प्रदेश में पहले भी अखिलेश भैया की सरकार रह चुकी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूँ। अखिलेश जी के बारे में उनका प्रवक्ता जवाब देगा। जी सर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपसे किया है क्योंकि आपकी जो आरएलडी है वो सपा से गठबंधन करने जा रही है, तो इसे एक संयुक्त सरकार बनने वाली है, तो इसके लिए अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके बाद भी अगर आपका यही जवाब रहेगा तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? देखिए, आपको ये प्रजम्पशन है कि संयुक्त सरकार बन रही है, हमारा तो प्रयास ये है कि सरकार राष्ट्रीय लोकदल की बने। अगर संयुक्त बनेगी तो मैं अलीगढ़ आऊंगा आपके प्रश्न का जवाब। जी सर, मैं तो अभी अपनी सरकार बनाने में लग रहा हूँ। जी, चलिए इसी क्रम में चलते हैं आगे जिला संयोजक जी डॉक्टर ओमवीर सिंह जी के पास। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी आज की ये प्रेस वार्ता कहाँ तक सफल रही बताएंगे? अरे, सफल पूर्ण सफल है सारी प्रेस वार्ता में। पहले तो अध्यक्ष जी के द्वारा प्रेस वार्ता थी जी, पूर्ण सफल है इसमें। अब तो आपको दिखाई दे नहीं, आपका, आपको जो जिला संयोजक का पद दिया गया है इसके लिए आप कहाँ तक खड़े उतरेंगे और कहाँ तक अपने कार्यों में सफल रहेंगे? पूर्ण रूप से खड़े उतरेंगे और बूथ लेवल पे घर घर जा करके काम करने की हमारी पुरानी आदत है, इसलिए जिम्मेदारी दी गई। जैसा कि यहाँ पे यशपाल बघेल जी ने बताया कि वे घर घर तक जाएंगे, यहाँ तक कि हर कोई आरएलडी का पदाधिकारी यही बोल रहा है कि वे घर घर तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, युवाओं को भी समझाएंगे, तो क्या आप भी इसमें भागीदारी लेने वाले हैं? अरे, ये तो दायित्व ही मुझे दिया गया है तो भागीदारी का लेने वाला हूँ। करना ही मुझे घर घर तक पहुँचाने का काम ही बूथ लेवल की कमेटियों का है जी। और बूथ की जिम्मेदारी जिला संयोजक पे है जी। तो आप इसको क्या क्यों कह रहे हैं, ये तो श्योर ही है जी।